रायपुर से खबर आ रही है जहां 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। आपको बता दें, एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के नेता ने हाईकोर्ट के वकील से मुलाकात की है और आज हाईकोर्ट में री पिटीशन दाखिल करेंगे एम्बुलेंस कर्मचारी संघ। तो अब तक जीवीके कंपनी 63 कर्मचारियों को बर्खास्त कर चुकी है। नियमितीकरण समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और इसी कड़ी में आज हाईकोर्ट में री पिटीशन दाखिल करेंगे एम्बुलेंस कर्मचारी संघ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राहुल पाली लाइव जुड़ चुके हैं। जी राहुल, 108, 102 कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है, सरकार की तरफ से अभी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है और इस पूरे हड़ताल के सिलसिले में क्या कुछ ताजा अपडेट्स मिल पा रहे हैं? जी करिश्मा, जिस प्रकार से 108 और 102 के कर्मचारी लगातार अपने आंदोलन को लेकर बैठे हुए हैं, आज उनका आंदोलन का 13वां दिन है। कहीं ना कहीं जो आंदोलन के आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होकर के जो कर्मचारी हैं लगातार बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इनका भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा अभी तक से रुख ले लेना चाहिए था, लेकिन एक पहल भी नहीं की जा रही है। वहीं जीवीके कंपनी, उसके द्वारा सीधे तौर पर बर्खास्ती के लेटर लगातार जारी किया जा रहा है और कर्मचारी जो है इन सब सिलसिले को लेते हुए, इन सब जानकारी को लेते हुए से आप जो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आज हाईकोर्ट पहुंचे हुए, सीधे तौर पर उन्हें पिटीशन जाकर के वहां पे हाईकोर्ट में दायर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जो कर्मचारी है लगातार तैयार है, सरकार के द्वारा कोई रुख नहीं ले जाया गया और कर्मचारियों का कहना है कि अगर एक पहल हमसे बात करने के लिए तैयार है सरकार, तो हम बात कर सकते हैं, तब हम जो आंदोलन उसको बहाल कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार अभी तक से कोई रुख लिया गया है और सीधे तौर पर जीवीके कंपनी का कहना है कि हम बर्खास्ती के लेटर लगातार जारी करेंगे। तो आने वाले समय में सीधे तौर पर कर्मचारियों का कहना है आर पार की लड़ाई होगी, अगर आश्वासन भी दिया जाता है तो उस पर भी हम नहीं मानेंगे। जी करिश्मा, राहुल यहां पे क्या लगता है कि अब ये हड़ताल किस मोड़ पे आके रुकेगी, क्योंकि देखा जाए अब हाईकोर्ट तक ये पूरा मामला चला गया है और आज हाईकोर्ट में रिपिटिशन दाखिल करेंगे एम्बुलेंस कर्मचारी संघ? जी करिश्मा, जिस प्रकार से पिछले दिनों की बात की जाए तो नर्स भी अपने मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हुए थे, उनकी मांग को पूरा किया गया। तो सरकार सीधे तौर पर उनकी मांग को पूरा करना अगर चाहती है तो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, इतना लेट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना लेट किया जा रहा है उतने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है लचर साबित हो रही है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जल्द से जल्द हम भी सेवा में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई रुख नहीं लिया जाएगा। और इनकी बात की जाए, अगर आंदोलन ऐसे जारी रहेगा तो सीधे तौर पर जो आंदोलन है वे और उग्र होते नजर रहे हैं और कर्मचारियों ने कहा है कि आप क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, जो याचिका दायर करने के लिए चले गए हैं, लेकिन आने वाले समय में आमरण अनशन के लिए भी तैयार होने की बात कही गया है। जी, अब देखना होगा क्या कुछ रुख होता है सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमसे ये ताजा अपडेट शेयर करने के लिए। तो रायपुर से एक खबर जहां 108, 102 कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है और आज हाईकोर्ट में रिपिटीशन दाखिल करेंगे एम्बुलेंस कर्मचारी संघ।